आज हम बात करेंगे, ये एक न्यू चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश की। इसमें हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित। ये टॉपिक्स दैनिक जीवन से रिलेटेड है और उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है। जिसमें पहला हमारा हेडिंग आता है प्रकाश, तो हमारा प्रश्न पहला यही है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सिंपल सा बच्चे जवाब दे देते हैं कि वह विकिरण जिसके कारण या वह ऊर्जा जिसके कारण हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। सिस्टमेटिक है, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि प्रकाश के साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिन घटनाओं के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं कि ऐसी भी जगह है जहाँ प्रकाश मौजूद है और वहाँ की वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं। जैसे यहीं पे धूल के बहुत छोटे छोटे कण जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं, प्रकाश होने के बावजूद भी वह वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं, वह धूल के कण नहीं दिखते हैं। आकाश में बहुत बड़े बड़े ग्रह हैं, वहाँ पे प्रकाश है फिर भी वह ग्रह हमें दिखाई नहीं देते हैं। दीवार के पीछे कोई व्यक्ति छुप जाए, वहाँ प्रकाश है फिर भी वह व्यक्ति हमको दिखाई नहीं देता है। छत के ऊपर कोई व्यक्ति चला जाए, हम कमरे में बंद हैं, प्रकाश वहाँ भी है, हम कमरे में बंद है, फिर भी हमें कोई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो प्रकाश के होने के बावजूद भी अगर कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो आखिर क्यों नहीं दिखाई देती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम। किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए प्रकाश के साथ साथ परावर्तन का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं पूछूं ये बोर्ड हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात सिर्फ इसका ये जवाब नहीं हुआ कि यहाँ पे प्रकाश उपस्थित है इसलिए ये हमें बोर्ड दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये इसका जवाब नहीं हुआ। क्योंकि दीवार के पीछे कोई व्यक्ति अगर छिप जाए तो प्रकाश वहाँ पे भी है, लेकिन वह व्यक्ति हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घटनाएँ हमारे सामने उभर के आएंगी और उस घटना का नाम हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो सिर्फ प्रकाश होने से वस्तुएं हमें नहीं दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि बहुत ऐसा जगह है जहां प्रकाश है वस्तुएं हमें नहीं दिखती हैं। उसके लिए प्रकाश का परावर्तन हमें समझना होता है। तो जहां तक वस्तुओं की देखने की बातें आती हैं, तो यही हम समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएँ हैं जिनसे टकरा करके किरणें हमारी आँखों में आके प्रवेश कर जाए, जिस भी वस्तु से टकराने वाली किरण आ करके हमारी आँखों में प्रवेश करेंगी वही वस्तुएं हमें दिखाई देंगी, और जिनसे टकराकर वापस आने वाली किरण हमारी आंखों में प्रवेश नहीं करेंगी वे वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। तो हम देखते क्या है, वह तो प्रकाश के परावर्तन की बातें हैं, लेकिन हमको सबसे पहले प्रकाश के बारे में डिफाइन करना है कि प्रकाश है क्या। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे। मान लीजिए हम प्रकाश के डेफिनेशन समझने के लिए हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं, उस अंधेरे कमरे में कोई वस्तु हमें देखनी होती है तो हम टार्च लिए रहते हैं, ये टार्च, हम टार्च का स्विच जैसे ही ऑन करते हैं तो टार्च से ये एक विकिरण निकलता है, और ये विकिरण जैसे ही इस सतह पे टकराता है, टकराने के बाद ये सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है ऐसे। ये एक वस्तु है। मान लीजिए जो व्यक्ति टार्च लेके गया है, जाहिर सी बात है उसके पास तो आंख होना ही होना है, तो जैसे ही ये व्यक्ति टार्च का स्विच ऑन करता है इससे विकिरण निकलती है और अंधेरे कमरे में रखी हुई इस वस्तु से टकराती है, और टकराने के बाद सभी दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। अगर किसी वस्तु से टकराने वाली किरण सभी दिशाओं में नहीं फैलती तो किसी जगह पर रखा हुआ वस्तु एक साथ 10, 20, 50, 100 लोगों को नहीं दिखता। इससे ये पता चलता है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से टकराने के बाद सभी दिशाओं में एक समान रूप से क्या होती है, फैल जाती है। और वह किरण जिस जिस व्यक्ति के आंख में प्रवेश करती है उस व्यक्ति को वह वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो जैसे मैं बोला हूं कि हमारे पास ये एक टार्च है, इस टार्च से निकलने वाले किरण आई हैं और इस वस्तु से टकराई हैं, टकराने के बाद सभी दिशाओं में क्या हो गई है, फैल गई हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये किरण मेरे भी आंखों में आई हैं, और जैसे ही ये किरण आकर मेरे आंखों में प्रवेश की है तुरंत ये वस्तु दिखाई देना प्रारंभ हो गया है।
तो ये बताओ कि अगर ये टार से जो निकलने वाला विकिरण है, अगर यह विकिरण नहीं रहता है तो क्या ये वस्तु हमें दिखाई देता है? नहीं। तो हमें यही विकिरण हमें इस वस्तु को दिखाने का काम किया है, तो इसी विकिरण का नाम हमने क्या रख लिया है? प्रकाश। तो हमारे पास प्रकाश का क्या परिभाषा निकला? सिस्टमेटिक परिभाषा देंगे हम, बोलेंगे ऐसे, वह विकिरण जिसके कारण कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। बहुत सारे प्रकाश की परिभाषा है, फिलहाल हम क्या परिभाषा देंगे यहाँ प्रकाश का? वह विकिरण जिसके कारण कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश। दूसरी भाषा में और थोड़ा सा पहले इसमें और जोड़ लें, ये उसे क्या कहते हैं भाई? प्रकाश। प्रकाश देख लीजिए, ये एक प्रकार की पहला नंबर ऊर्जा है, यह एक प्रकार की क्या है बाबू? ऊर्जा है। और इस ऊर्जा की निर्वात में चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या हमारी बात समझ में आया? तो क्या बोलेंगे हम ऐसे एक साथ सब जोड़ लेंगे, बोलेंगे वह विकिरण जिसके कारण कोई वस्तु दिखाई देता है उसे प्रकाश कहते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। बोलो क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा किसका परिभाषा निकल गया भाई? प्रकाश का। अब आता है प्रकाश का परावर्तन, इसमें प्रकाश के गुण भी होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? दूसरा हमारा क्या हेडिंग रहता है? प्रकाश का गुण, ये भी जानते चले। इसमें लिखेंगे हम प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला नंबर देख लो, प्रकाश का क्या परिभाषा लिखेंगे हम बताओ आप? वह विकिरण जिसके कारण कोई वस्तु दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी परिभाषा देते हैं लोग कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ये भी सही परिभाषा है कि वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसके निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है उसे भी क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या हमारी बात समझ में आया कि वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है उसे भी क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। या वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है उसे भी क्या कहते हैं? प्रकाश। भाई मंजिल एक, रास्ते बहुत सारे हैं, जो आपको आसान लगे आप उससे चले जाओ। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? प्रकाश के मैंने चार चार डेफिनेशन दे दिया। पहला क्या परिभाषा है? वह विकिरण जिसके कारण कोई वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा क्या परिभाषा देंगे? वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। तीसरा क्या परिभाषा देंगे? वह ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है उसे भी क्या कहते हैं? प्रकाश। चौथा, वह ऊर्जा जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है उसे भी क्या कहते हैं? प्रकाश। बहुत सारे डेफिनेशन है, जो चाहो आप दे सकते हो। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखो, इसके बाद से हमारा दूसरा हेडिंग आता है प्रकाश के गुण। तो हम क्या बोलेंगे? प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहले बोलो, क्या प्रकाश टेढ़े मेढ़े मार्गों पर चलता है? नहीं। पहला गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, इसमें टकरा के वापस जाने का गुण होता है ना, मान लो किसी वस्तु से टकराती है तो ये टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? वापस भी लौट जाती है। यानी इसमें प्रकाश का परावर्तन जैसा गुण मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसे वायु से जल में भेजा जाता है तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी वह अपने रास्ते को थोड़ा सा बदल देती है। तो प्रकाश द्वारा अपने मार्ग से विचलित होने की जो क्षमता होती है, प्रकाश का अपवर्तन होती है। तो तीसरी बार हम कह सकते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन का गुण भी पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण भी पाया जाता है। क्या हमारी बात समझ में आया? बहुत सारे गुण विद्यमान है प्रकाश में। तो पहला हम क्या बोलेंगे प्रकाश के गुण में? हम बोलेंगे प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या बोलेंगे? यह सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा क्या बोलेंगे? इसमें परावर्तन का गुण पाया जाता है। तीसरा क्या बोलेंगे?
इसमें अपवर्तन का गुण पाया जाता है। चौथा क्या बोलेंगे, इसमें विवर्तन का गुण पाया जाता है। पांचवा क्या बोलेंगे, इसकी निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या कंटिन्यू ये गुण है, क्या आप अपने मन से लिख लोगे? तो लिखते चलो साथ में। अब देखो इसमें, इसके बाद की हमारी हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। अब समझ लो, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक पृष्ठ लेते हैं, उस पृष्ठ का एक तल चिकना रहने देते हैं और दूसरे तल पे पॉलिश लगाते हैं। तो एक्चुअल में प्रकाश के परावर्तन को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कांच का एक टुकड़ा लेते हैं और उसके एक तरफ पे पॉलिश लगा देते हैं, दूसरे तरफ को चिकना रखते हैं। तो हमारा प्रश्न देखो क्या है, हमारा प्रश्न ये है कि प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए एक तल चिकना और दूसरा पॉलिशदार क्यों लेते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम एक तल पॉलिश करके लेते हैं तो जिस तल पे पॉलिश लगी होती है वह किस चीज़ की पॉलिश लगी होती है। तीसरा, क्या उस पॉलिश के स्थान पे मिट्टी प्रयोग की जा सकती है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। आ रहा है मेरी बात समझ में? अब देखो मैं क्या प्रश्न बोला हूँ, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक तल चिकना और दूसरा पॉलिशदार लेते हैं, क्यों एक चिकना और दूसरा पॉलिशदार लेते हैं, फर्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि जो पॉलिशदार तल लेते हैं उस पर किस चीज़ की पॉलिश की गई होती है। तीसरा प्रश्न, क्यों की गई होती है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इन सभी प्रश्नों का जवाब आपके पास होगा, एक एक करके जानेंगे। देख लो हम क्या करते हैं, इसमें कांच का एक टुकड़ा लेते हैं, ये वाला, इसके एक तल को चिकना रहने देते हैं और दूसरे तल पे पॉलिश लगा देते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, क्यों एक तल चिकना और दूसरे तल पे पॉलिश लगी होती है, तो आप बताओगे ताकि इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आए और उससे टकराकर वापस चली जाए, दूसरी तरफ पार करके न जाए, इसलिए एक तरफ चिकना और दूसरा तरफ क्या लगा लेते हैं, पॉलिश। ठीक है, दूसरा, किस चीज़ की पॉलिश लगी होती है, तो आप बोल सकते हो चांदी की पॉलिश लग सकती है, ये बोलो यार, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की, सिंदूर की, पारे की, इनमें से किसी भी एक पदार्थ की पेंटिश पे की जा सकती है। क्या हमारी बात समझ में आया? तीसरा प्रश्न, क्या इसकी जगह पे मिट्टी की पॉलिश लग सकती है, तो बिल्कुल लग सकती है, तो क्यों नहीं लगाई जाती है, तो वो इसलिए नहीं लगाई जाएगी क्योंकि मिट्टी की पॉलिश जब सूखेगा तो झड़ जाएगा, फिर दोनों तरफ चिकना हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। क्या हमारी बात समझ में आया? यानी प्रकाश टकरा के वापस नहीं जा पाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखो, जैसे अब देखो, अब ये कैसा बिहेव करेगा, जैसे आप एक शीशा ले लो और शीशे को किसी के मुंह पे चमकाना होगा, तो शीशे का चिकना वाला तल सूर्य की तरफ कर लोगे तो उससे किरण ऐसे आएगी और शीशे पे टकराएगी और टकरा के तुम्हारे पास वापस जाएगी। तो मान लो प्रकाश आई और यहाँ टकराई, टकरा के वापस लौट गई, तो इसी घटना का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। क्या हमारी बात समझ में आया? तो इसमें देखो क्या होता है, ये मैंने कांच का एक टुकड़ा लिया, इसके एक तल को चिकना रखा तो इसको हम बोलेंगे चिकने, और दूसरे तल पे पॉलिश लगा दिया तो हम बोलेंगे पॉलिशदार तल। क्या बोलेंगे बाबू? पॉलिशदार तल। अब देखो, तो अब इस पूरे फिनामिना को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चिकने व पॉलिशदार तल। अब इस तल का नाम क्या पड़ गया बाबू? चिकने व पॉलिशदार तल। अब देख लो, यहां पे हमारे पास ये एक प्रकाश है, ये प्रकाश, ये प्रकाश, ये जब आके चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो जिधर से ये आके टकराती है यह पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। क्या हमारी बात समझ में आया? कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से आकर टकराती है तो जिधर से वह आती है उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, और इसी घटना का नाम क्या पड़ गया है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का क्या परिभाषा देंगे? वो
पुनः जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस लौट गया ना भाई, तो लिख दे रहा है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा प्रकाश के परावर्तन का, ऐसे बोलेंगे जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है। देखो यहाँ पे टकरा रही है ना भाई, ये बोलो यार। तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से आके टकराई पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्या परिभाषा देंगे प्रकाश के परावर्तन का, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो ये चीज़ें क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ देख लो, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। तो अब हम दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। यह अगला हेडिंग है हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हम इसमें बोलेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं बाबू, दो नियम। अब हम समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के वह दो नियम कौन कौन होते हैं, इस चीज को बड़ी ध्यान से आपको समझना है। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ बताने जा रहा हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम में जो यूज होंगे मैं उनको बताने जा रहा हूँ। जैसे देख लो, मैं यहाँ पे ऐसे एक पृष्ठ लिया हूँ, ये ऐसे पृष्ठ है, इस पे प्रकाश की किरण ऐसे आई है और यहाँ से टकरा के वापस चली गई है। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो इसमें चार पांच चीज़ें आती हैं जिसको हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें पहला आता है आपतित किरण। हमारा दूसरा होता है परावर्तित किरण। तीसरा होता है आपतन बिंदु। चौथा होता है अभिलंब। पांचवा होता है आपतन कोण और छठा होता है परावर्तन कोण। ये प्रकाश के परावर्तन को अगर आपको अच्छी तरह से समझने हैं तो सबसे पहले ये छह जो आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ये समझना पड़ेगा। पहला हमारा क्या प्रश्न है, आपतित किरण किसे कहते हैं। दूसरा क्या प्रश्न है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तीसरा क्या है, आपतन बिंदु किसे कहते हैं। चौथा क्या है, अभिलंब किसे कहते हैं। पांचवा क्या है, आपतन कोण किसे कहते हैं। और छठा क्या है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। वन बाय वन हम पूरा क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो मान लीजिए इधर सूर्य कोई एक, सूर्य एक प्रकाश का स्रोत है। ये क्या चीज है बाबू, प्रकाश का एक स्रोत है और इस स्रोत से ये आने वाले क्या है, किरण है। क्या हमारी बात समझ में आया, तो इसी किरण का नाम क्या है, आपतित किरण। तो हमारा आपतित किरण का क्या परिभाषा निकला, हम बोलेंगे किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, क्या परिभाषा देंगे आपतित किरण का, किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या परिभाषा देंगे परावर्तित किरण का, मान लो ये कोई सतह है ना भाई, ये बोलो यार, इस सतह से टकराकर वापस जाने वाली ये किरण है।
तो इस किरण का नाम क्या पड़ गया? परावर्तित किरण। बोलो, इसका हमने नाम क्या रख लिया? आपतित किरण। हमने इसका नाम क्या रख लिया? परावर्तित किरण। बोलो क्या क्या परिभाषा देंगे, सिस्टमेटिक समझो। पहले आपतित किरण का क्या परिभाषा देंगे? तो बोलेंगे किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण का क्या परिभाषा देंगे? किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बोलो इतना समझ में आया? पक्का समझ में आया? दोबारा इधर से रिपीट कर रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम दूसरा हेडिंग बना के छोड़े हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं और हम पढ़ेंगे कि वह दोनों नियम कौन कौन से हैं। उससे पहले हमें ये बेसिक कंसेप्ट है जिसमें पहला क्या है? आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु, चौथा अभिलंब, पांचवा आपतन कोण, छठा क्या है? परावर्तन कोण। तो पहला आपतित किरण किसे कहते हैं? तो क्या बोलेंगे? किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? इसके बाद से आता है तीसरा आपतन बिंदु। तो अब देखो, ये आपतित किरण है ना, ये आ करके इसी बिंदु पर टकराती है। ये बिंदु है एक, ये वाला आ रहा है मेरी बात समझ में? इस बिंदु पर ये आपतित किरण आकर क्या होती है बाबू? टकराती है। इसलिए इस बिंदु का नाम क्या पड़ गया है? आपतन बिंदु। क्या नाम है बाबू ये? आपतन बिंदु। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? तो आपतन बिंदु का भी परिभाषा निकल गया। क्या परिभाषा देंगे हम? ऐसे बोलेंगे, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बोलो कितना परिभाषा क्लियर हो गया? तीन। पहला आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद आता है अभिलंब। तो अब देखो, आपतन बिंदु पर लंबवत एक रेखा खंड खींचेंगे। हम क्या करेंगे? हम आपतन बिंदु पर एक लंबवत रेखा खंड खींचेंगे ऐसे। ये आपतन बिंदु है, इस पे ये एक लंबवत रेखा खंड खींचेंगे। तो आपसे कोई पूछे ये क्या चीज है, तो बोलोगे आपतन बिंदु पर ये खींचा गया या खींचे गए लंबवत रेखा खंड है। इस रेखाखंड का नाम क्या पड़ गया? अभिलंब। यानी अब हम इसको किस नाम से जानेंगे भाई? अभिलंब नाम से। क्या हमारी बात समझ में आया? बोलो कितना परिभाषा तुम्हें क्लियर समझ आ गया? ये पहले ये इतना क्लियर हो गया ना। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आने वाले किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंबवत रेखाखंड को अभिलंब कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब इसके बाद से हमारा आता है आपतन कोण। ये देख लो आपतन कोण। बोलो अब इस किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। और इसका नाम क्या चीज पड़ गया? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यही ना कोण बन रहा है भाई, तो इसी कोण का नाम क्या होता है? आपतन कोण। बोलो ना भाई। तो आपतन कोण का क्या परिभाषा निकल गया? आपतित किरण तथा अभिलंब के
बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। क्यों आई से लिखते हैं, क्योंकि आई फॉर इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल का मतलब आपतन कोण, इंसिडेंट की स्टार्टिंग आई से है, इसलिए आपतन कोण को किससे लिखते हैं, आई से। अब बोलो इसके बाद से आता है परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण का क्या परिभाषा देंगे, तो अब बोलो इस किरण का नाम क्या पड़ गया है, परावर्तित किरण, और इसका नाम क्या पड़ गया है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यही कोण बन रहा है ना, तो इस कोण का नाम क्या पड़ गया, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं, आर से। क्यों आर से लिखते हैं, आर फॉर रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल का मतलब परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड की शुरुआत आर से है, इसलिए परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं, आर से। बोलो कितना तुम्हें समझ में आया, कंप्लीट। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लिखोगे। आपतित किरण का क्या परिभाषा देंगे, किसी स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण का क्या परिभाषा दोगे, किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु का क्या परिभाषा देंगे, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब का क्या परिभाषा देंगे, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंबवत रेखाखंड को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण का क्या परिभाषा देंगे, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण का क्या परिभाषा देंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसकी एक स्पेशलिटी है बाबू कि जो आपतन कोण होता है ना, ये हमेशा इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो क्लियर हो गया, क्या इसकी स्पेशलिटी है बाबू, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब थोड़ा सा और समझ लो, प्रकाश के परावर्तन में मैं बोला हूँ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो। तो आप देखो ना खुद ही यार, अब इस किरण का नाम क्या पड़ गया है, आपतित किरण। इसका नाम अब पड़ गया है, इसकी खानदान चेंज है, क्यों, आपतित किरण। क्या लिख रहे हैं हम, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या पड़ गया, अब परावर्तित किरण। और जो यहाँ लंबवत रेखाखंड खींचे थे इसका नाम क्या पड़ गया, अभिलंब। क्या नाम पड़ गया, अभिलंब। हम क्या देख रहे हैं, ये जो आपतित किरण है यह भी आके इसी तल में मिल रही है यहाँ पे, क्यों भाई, परावर्तित किरण है ये भी इसी तल से होके जा रहा है, और जो अभिलंब है यह भी इसी तल में है। तो इससे क्या चीज़ें सत्यापित हो रही हैं, बोलो क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बाबू, एक ही तल में होते हैं। पहली चीज़ें समझ में आ गई ना, कौन कौन तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा हमने अभी रूल पढ़ा है कि यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। तो जो यह आपतन कोण होता है यह हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमारे प्रकाश के परावर्तन का नियम भी कंप्लीट। ए बोलो भाई, अब देखो क्या नियम कंप्लीट करेंगे, पहले प्रकाश के परावर्तन का क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे ऐसे, जब प्रकाश, बोलेंगे ना भाई, क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या हमारी बात समझ में आया, देखो ये पहले वाला भाषा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे, जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश, उसके बाद हेडिंग फिगर बना लेंगे, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, और इसमें लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलेंगे, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या बोलेंगे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बोलो क्लियर हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे हम, ऐसे दूसरा में लिख लेंगे, ये दिखाना पड़ेगा हमको, आपतन कोण ये हमेशा किसके बराबर होता है बाबू, परावर्तन कोण के। तो आपतन कोण को एंगल आई से, परावर्तन कोण को एंगल आर से, तो ये एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। पहले बोलो जितनी चीजें बताए हैं वो आपको पूरा कंसेप्ट आया कि नहीं आया, हो जाएगा। चले तो सबसे पहले ही लिखेंगे ऐसे, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख के फिगर बनाएंगे, फिर इसके नियम को लिख लेंगे, ओके। उसके बाद नोट लिखेंगे, नोट में ये जितने भी डेफिनेशन निकाले हैं सब बारी बारी करके लिखेंगे, ओके। हम इसमें बात करेंगे, इसमें देख लो क्या बात करना है, दर्पण से रिलेटेड बातें करनी है। तो हमारा पहला प्रश्न ये है कि दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का परिभाषा पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशंस हैं सिंगल बाय सॉरी वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो ये सुन लो, दर्पण का परिभाषा समझने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कांच का एक टुकड़ा ले लेते हैं। क्या लेते हैं बाबू, कांच का एक टुकड़ा, और कांच के उस टुकड़े पे हम एक तरफ चिकनाई रहने देते हैं और दूसरे तरफ क्या लगा देते हैं, पॉलिश, तो क्या बन जाता है, दर्पण। यानी मैं क्या कर रहा हूं, कांच का एक ये कटा हुआ भाग ले ले रहा हूं, ये इसका ऊपर वाला तल चिकना रहने दे रहे हैं और नीचे वाले पे हम क्या लगा दे रहे हैं बाबू, ये पॉलिश। ऐसे क्या हमारी बात समझ में आया। तो ये पहला नंबर, किसी कांच का ये कटा हुआ भाग है, इसका ये ऊपर वाला तल कैसा है भाई, चिकना, और नीचे वाला तल क्या होता है, पॉलिशदार। यानी दूसरा वाला जो तल होता है पॉलिशदार होता है। तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है, दर्पण। तो दर्पण का क्या परिभाषा देंगे, सिर्फ मैं दर्पण की बातें कर रहा हूं अभी, तो दर्पण का क्या परिभाषा देंगे, सिंपल बोलेंगे हम, किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा क्या होता है, पॉलिशदार होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या बोलेंगे, किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा क्या होता है, पॉलिशदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला क्या होगा बाबू, गोलीय दर्पण, और दूसरा क्या होगा, समतल दर्पण। अब कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलोगे दो प्रकार, एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दर्पण का क्या परिभाषा देंगे, किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा क्या होता है, पॉलिशदार होता है, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसके बाद है ये फिगर बना के दिखा लेंगे, उसके बाद हेडिंग बनाएंगे दर्पण के प्रकार, लिखेंगे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला लिखेंगे गोलीय दर्पण, दूसरा क्या लिखेंगे, समतल दर्पण। मुझे मुख्य रूप से गोलीय दर्पण के बारे में ही स्टडी करने हैं क्लास 12 में, हमको समतल दर्पण के बारे में स्टडी नहीं करने हैं। बस एक वर्ड आता है समतल दर्पण में, प्रतिबिंब बनता है, हम ट्रिक कर लेते हैं सदैव आभासी, बस इतनी छोटी सी बातें इसमें करने होते हैं। फिलहाल गोलीय दर्पण का क्या परिभाषा देंगे, अब देखिए मैं गोलीय दर्पण को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूं, ये कांच का एक खोखला गोला ले ले रहा है, ये
इसमें से मैं इसका कुछ भाग काट के अलग कर ले रहा हूं। तो अगर इसको कोई पूछे ये क्या है, तो आप बोलोगे किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग है। ए बोले वही ना है यार, तो बोलेंगे कांच के खोखले गोले का कटा हुआ यह एक भाग है। अब क्या करेंगे, इसके एक भाग को चिकना रहने देंगे और दूसरे पे क्या लगा देंगे, पॉलिश। इसका मतलब कि हमने अंदर वाले को चिकना रखा है और बाहर वाले पे क्या लगा दिया है, पॉलिश। या आप अंदर पॉलिश लगा देते और बाहर कैसा रखते, चिकना, आपकी मर्जी है। यानी इसमें दो तल हैं, कितने तल हैं बाबू, दो तल। तो इसमें एक तल कैसा है, चिकना, वह दूसरा कैसा होता है बाबू, पॉलिशदार। तो अब इसका नाम क्या पड़ गया, गोलीय दर्पण, चूंकि गोल है इसलिए ये क्या नाम पड़ गया इसका, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का क्या परिभाषा देंगे बताओ, सिंपल बोलेंगे ऐसे, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ यह एक भाग है। तो परिभाषा देते वक्त थोड़ा सा भाषाएं सेट कर लेते हैं, क्या बोलेंगे, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, या क्या जोड़ लेंगे, वह जोड़ लेंगे, परिभाषा निकाल रहे हैं। क्या बोलेंगे हम, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, दोबारा सुन लो, क्या बोलेंगे, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा कैसा होता है, पॉलिशदार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। बोलो क्लियर, समझ में आ गया, ये बोलो यार क्या परिभाषा देंगे गोलीय दर्पण का, किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा पॉलिशदार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद से गोलीय दर्पण के प्रकार आता है, गोलीय दर्पण के प्रकार, इसमें क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या बोलोगे, अवतल दर्पण, क्या बोलोगे भाई, अवतल दर्पण, और दूसरा क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण। अब ये है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा दे दो, अब देखो इसका क्या परिभाषा दोगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है, इस चीज को हम डिफाइन करेंगे। यहाँ साइड में लिखें क्या है, दिखेगा भाई यहाँ पे, यही हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ये पृष्ठ ले रहे हैं, इधर बाहर क्या हमने कर दिया, पॉलिश लगा दिया ऐसे, इसका मतलब समझ रहे हो कैसा है, इसका मतलब ये ऐसा है, क्यों भाई, ये इस तरह हमने क्या किया, अंदर वाले तल को चिकना रहने दिया और बाहर क्या लगा दिया, पेंट यानी पॉलिश लगा दिया। अब देखो इस पे अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी इस तरह से, तो ये बताओ इसके बाहर वाले तल से टकरा के वापस जाएगी या अंदर वाले तल से, अंदर वाले तल से। तो मान लो हम ऐसे अपना हाथ किए हैं, सपोज करो, तो इस बाहर वाले तल का नाम उभरा हुआ तल है और अंदर वाले तल का नाम दबा हुआ तल है। तो इसमें देख लो ऐसे एक प्रकाश आई है और टकरा के वापस चली गई है, तो प्रकाश जाए और किसी चिकने और पॉलिशदार तल से टकरा के वापस चली आए, तो इस घटना का नाम पड़ता है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम होता है भाई, प्रकाश का परावर्तन। यानी यहाँ पे कौन सी घटनाएं संपन्न हुई है, प्रकाश के परावर्तन की, लेकिन मैं देख रहा हूं किस तल से प्रकाश का परावर्तन हुआ है, दबे हुए तल से, किससे हुआ है भाई, दबे हुए तल। और आप अब देख के बताओ इसमें किससे हुआ है,
अब बोलो आप इसमें किससे हुआ है, फिगर देखो, बोलो भाई। उभरे, क्योंकि मान लो ऐसे है तो अब दबा हुआ तल पे अंदर पॉलिश लग गया और ऊपर वाला चिकना है ना, तो जो तल चिकना होगा प्रकाश का परावर्तन उसी से होगा, यानी प्रकाश की किरणें टकरा के उसी से बाहर जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अब जो प्रकाश का परावर्तन हुआ है ये किस तल से हो गया है, उभरे हुए तल से। किससे हुआ है भाई, उभरे हुए तल। और इसमें प्रकाश का परावर्तन किससे हुआ है, दबे हुए तल से। तो जिसमें दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसका नाम क्या होता है, अवतल दर्पण। और जिसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसका नाम क्या होता है, उत्तल दर्पण। क्लियर हो गया। और दर्पण के सिरे को हम M1 और किससे लिखते हैं, M2 से। तो आप हर जगह ये M1 और क्या बना लेंगे, M2। क्यों M1 M2 से लिखते हैं, क्योंकि M से होगा मिरर, मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण। इसलिए मिरर की शुरुआत M से है तो दर्पण के सिरे को M1 M2 से लिख लेते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इस बेस पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा दोगे, सिंपल बोलोगे ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा देंगे हम, बोलो भाई, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब एक बार शुरू से देख लो, दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ से हम बोलेंगे किसी कांच का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा पॉलिशदार होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसके बाद क्या बोलेंगे, दर्पण मुख्य, दर्पण के प्रकार, प्रकार हेडिंग बनाने के बाद लिखेंगे दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्या परिभाषा देंगे, बोलेंगे किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसका एक तल चिकना व दूसरा पॉलिशदार होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिगर बना लोगे। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, लिखेंगे गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। पूरा लिख लोगे, कंप्लीट करो।